प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेतु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये हंसा दिव्यः समारम्भा सनकादीन मुनीश्वरा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरुपदम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्रीमद् वेद व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संत भक्तन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का प्रथम दिवस आज शुभारंभ हो रहा है। भागवत भगवान के कलश यात्रा मंगल यात्रा बड़े धूमधाम और आनंद के साथ में निकाली, इसलिए आज की कथा में समय ज्यादा लग गया। उसके बाद पूजन भी हुआ गणेश अम्बा जी का, विराजित सभी देवी देवताओं का। प्रथम दिवस कार्य अधिक, इसलिए कथा भी आज विलंब से सायंकाल समापन का समय हो गया वैसे तो, पर फिर भी आज मंगल में शुभारंभ होना चाहिए। कल से जो समय निर्धारित है उसी समय से आप और हम कथा सुनेंगे। जीव के जन्मों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए किसी देव प्रांगण में आते हैं। जन्मों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब परीक्षित जी एक आसन थोड़ा सामने इधर लगाइए, उन्हें स्पीकर से देखने में दिक्कत हो रही है। आसन थोड़ा गोविंद जी आप इधर लगाइए, भागवत जी का दर्शन होता रहे, थोड़ा सामने है ऐसे बैठ जाए। सावधानी पूर्वक सुखासन में आनंद से बैठे, ये बात ऐसे बैठे आनंद से। तो जन्मों जन्मों के पुण्य से श्रीमद् भागवत की कथा हमें सुनने को मिलती है। और वैसे हम तो ऐसा मानते हैं कि जन्मों जन्मों के पुण्य नहीं, भागवत की कथा पुण्यों के प्रभाव से नहीं तो काहे से मिलती है जी। पुण्यों के प्रभाव से तो संसार की वस्तुएं मिल सकती हैं, शास्त्र के भाषा के अनुसार देखें तो। भागवत की कथा, रामचरितमानस, भगवान राम की कथा, कृष्ण की कथा, ये पुण्यों के प्रभाव से नहीं, ये तो साक्षात श्री राम कृष्ण कृपा करते हैं तब सुनने को मिलती है।
पुण्यों के प्रभाव से अच्छा शरीर मिल सकता है, पुण्यों के प्रभाव से आप और कुछ कार्य कर सकते हैं, संसार में बहुत अच्छे काम है, पर सबसे अच्छा काम, सर्वोत्तम काम यदि हमारे जीवन का है तो वो है प्रभु की कथा सुनना। ये भगवान कृपा नहीं करे तब तक कोई जीव सुन नहीं सकता। ठाकुर जी रीझते हैं, किसी जीव को अपनाना चाहते हैं। जन्मों जन्मों से भगवान को भूला हुआ जीव परमात्मा से मिलना चाहता है, अथवा तो वह पहुंच नहीं पा रहा है, भगवान कृपा करके उसे हजार हाथों से बुलाते हैं, प्रभु जानबूझ करके उसे अपनाना चाहते हैं, तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। वैसे शास्त्रीय मान्यता है पूर्वजों की बड़ी कृपा से भागवत की कथा सुनने को मिलती है, पूर्वज प्रसन्न होते हैं। जो चले गए लोग हैं, ऊपर के लोकों में बैठे हैं, वह आज बड़े दिव्य प्रसन्न हो रहे होंगे परीक्षित महोदय के इस पवित्रतम कार्य से। आपके कुल के सभी पितरेश्वर, सभी देवेश्वर, सभी जितने भी देवी देवता हैं, कुल देवता, कुल देवी, पितरेश्वर, देवी देवता, आपके इष्ट, आपके गुरुजी, आपके ऊपर जो भी जिनको आप मानते हैं, वह सभी देव आत्माएं बड़ी प्रसन्न हो रही होंगी, क्योंकि भागवत कथा से बड़ा सत्कर्म भी दूसरा नहीं। इसलिए भागवत की कथा बंधुओं अपने प्रयास से नहीं, भगवान की कृपा से मिलती है। बहुतों के पास में रुपया पैसा है पर भागवत कथा नहीं करा पाते हैं, बहुतों के पास में और भी साधन है लेकिन प्रभु की कथा सुन नहीं सकते, क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है। तो भागवत की कथा सुनना और भागवत की कथा कहना, ये दोनों ही प्रभु कृपा से संभव होता है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा तो आप हम बार बार सुनते हैं, हजारों बार सुनते हैं, फिर भागवत की कथा को क्यों सुने हम बार बार, जब एक ही कथा कई बार सुन ले। भागवत कहती है जब तक सुनो तब तक, बोले सुनते सुनते तुम स्वयं भागवत न बन जाओ तब तक सुनो। समझ गए ना, भागवत कहते हैं उन्हें किसको, जो भगवान को अति प्रिय हो जाए, भगवान जिसे कभी भुलाए नहीं, कभी छोड़े नहीं, यानी हम भगवान के जब तक इतने प्रिय न बन जाए कि भगवान हमको कभी छोड़े ही नहीं, तब तक हम भागवत सुनते रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो जरा जोर से राधे राधे। तो भागवत की कथा हम जब तक सुनते रहें, जब तक भगवान न मिल जाएं, जब तक हम भागवत की कथा सुने स्वयं भागवत न बन जाएं, जब तक हम भागवत की कथा सुने भगवान के उस लीलामृत का पान पूर्ण रूप से, हाँ हम उस लीलामृत तक न पहुंचे, जब तक भगवान का वह लीलामृत, प्रभु की जो लीलाएं हो रही है वह हमें दिखने न लग जाए, उस दिव्य रस का पान हमारी आत्मा न करने लग जाए, जब तक वहां तक हमारी यात्रा न पहुंचे और उस अमृत को पान करते करते हम प्रभु में न मिल जाए, तब तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते रहो। आपका जीवन गंगा नदी की तरह है, आपका जीवन सरयू की तरह है, आपका जीवन यमुना जी की तरह है। गंगा बह रही है, जमुना बह रही है, सरजू बह रही है, चंबल बह रही है, नर्मदा बह रही है, कावेरी बह रही है, ये सारी नदियां बह रही है, बह रही है, बह रही है, कहां क्यों बह रही है, किसके लिए बह रही है, कहां तक बहेंगी, कहां तक चलेंगी ये नदियों की यात्रा, बोले जब तक सागर से न मिल जाती है तब तक नदी बहना बंद नहीं करती है, चलना बंद नहीं करती है। समझ गए ना, नदी गंगोत्री से गंगा जी निकली, जमुनोत्री से जमुना जी निकली,
बड़ा भारी पहाड़ ने आया रास्ते में, उसने रास्ता रोका और नदियों का रास्ता रोक के कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। पहाड़ कहता है नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, अपनी यात्रा को मोड़ करके नदी जैसे तैसे सागर तक लक्ष्य बनाया पहुंचना है। छोटा मोटा कोई पत्थर आता है, भट्टा आता है, बहा के ले जाती है, बड़ा पर्वत आता है तो रास्ता मोड़ लेती है, लेकिन लक्ष्य बनाया कि हमें सागर से मिलना है और जब सागर में नदी पहुंच जाती है तो अपना अस्तित्व खत्म कर देती है, फिर वहां सागर का पानी होता है, समुद्र का जल होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सारे रिश्ते नाते ऐसे ही है, पर्वत की भांति। अगर छोटी मोटी कोई पत्थर आता है, कोई कचरा आता है, नदी बहा के ले जाती है, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, जब तक हम परमेश्वर से न मिल जाए, भगवान से न मिल जाए, हमारे साथ कोई चले तो अच्छी बात, पर्वत की तरह खड़ा हो गया सामने कोई भी रिश्ता तो चाहे उस यात्रा को बदल दो, पर जब तक भगवान न मिल जाए तब तक यात्रा को रुकने नहीं देना चाहिए। जब परमात्मा से जब तक एक न हो जाए तब तक हमारी यात्रा उसी तरह चलनी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा यही तो करती है बंधुओं, गोविंद से मिलाती है, भगवान से मिलाती है। इसलिए आप लोग बड़े सावधानी पूर्वक आसन लगाकर श्रीमद् भागवत की कथा सुने। आज आप सब लोगों ने मंगलमय कलश यात्रा भी निकाली बड़े आनंद के साथ में, साधु संतों के परम सन्निधि ब्राह्मण देवता सभी विराजे हैं और आप और हम मिलकर के यहाँ कथा सुन रहे हैं। तो आइए भागवत के महात्म का श्रवण करते हैं, आज जितनी देर हो सकेगा सुनाएंगे आपको। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं बंधुओं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, मंत्र हैं। ये इतना बड़ा पुराण है, पुराण इसको पुराण कहते हैं, पुरा न, पुरा मतलब पुराना, न मतलब नहीं, जो कभी पुराना नहीं हो उसी का नाम है पुराण। आज से हजारों वर्ष पहले सुना गया तब भी नया लगता था, आज सुनते हैं तो भी नया लगता है और आगे सुनेंगे तब भी नया लगेगा। ये ऐसा 12 स्कंद वाला बड़ा सुंदर दिव्य पुराण है बंधुओं, और इस पुराण में 18,000 मंत्र हैं, अनेक छंदों में मंत्र हैं, बढ़िया बढ़िया राग रागनियों में गाइए उन मंत्रों को, कैसा रस बरसता है। श्रीमद् भागवत तो गीत है, सुंदर गीत है, सुखदेव जी जैसे महामनीषियों का गाया हुआ गीत है। बंधुओं ये श्रीमद् भागवत के सुनने से होता क्या है, हमें बार बार क्यों सुननी चाहिए, इसके सुनने से किसको क्या फायदा हुआ पहले कभी, ये सारी बातें भागवत के महात्म्य में बतलाई गई है। पद्म पुराण हरि हमारे जन्म से पहले भी हमारे साथ थे, जन्म के बाद भी हमारे साथ हैं, और पुनः जब पांच भौतिक या शरीर छूटेगा उसके बाद भी हमारे साथ रहेंगे। इनको कहते सत्य, मारा जन्म मरण रा साथी थान के विसरू दिन रात, हे जन्म मरण के साथी आपको मैं भूल नहीं सकते, आपको हम भूल नहीं सकते। तो ऐसे भगवान सत्य स्वरूप हैं जो कभी नष्ट नहीं होते, अस्ति जो है वही सत्य है, परमात्मा की सत्ता ही तो विद्यमान है। आदि में भी वो थे, मध्य में भी वो हैं, अंत में भी वही शेष रह जाते हैं, यो वशिष्येत सोस्मि अहम्। ऐसे भगवान का पहला स्वरूप है बंधुओं सत्य, और दूसरा स्वरूप है ठाकुर जी का चित्त, और तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद। ऐसे हमारे गोविंद के ये तीन स्वरूप हैं बंधुओं, सत्य चित्त आनंद, ये मिलाकर के एक शब्द बन जाता है सच्चिदानंद। भगवान के तीन ही कार्य हैं विश्वस्य उत्पत्ति आदि,
इस संसार को बनाने वाले भी ठाकुर जी हैं, इसका पालन करने वाले भी भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, और अंत में इसका लय कर देने वाले भी श्री कृष्ण कन्हैया हैं। ऐसे उन भगवान की चरण शरण लेने वाले को क्या होता है? व्यास जी कहते हैं तापत्रय विनाशाय। ऐसे ठाकुर जी की शरण लेने से तीन ताप नष्ट हो जाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। राम राज्य का हो नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों ताप उस व्यक्ति का पीछा करना छोड़ देते जिसके अंदर राम राज्य हो जाए। ये राम राज्य अयोध्या में ही नहीं बल्कि चलती फिरती हमारे शरीर रूपी अयोध्या में राम जी का राज्य कर लो तो तीनों ताप हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ये शरीर ही तो अयोध्या है, हृदय ही तो दशरथ कौशल्या का भवन है, और इसमें बैठे सीताराम का दर्शन जैसे हनुमान जी ने करा दिया, जाओ सुहृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। वैसे ही अपने हृदय के कपट खोल करके नित्य दर्शन कीजिए, हृदय को सुंदर मंदिर बना के सीता राम राधा कृष्ण गौरी शंकर आपके जो भी इष्ट देव हैं भगवान हैं उनका नित्य दर्शन कीजिए। प्रातः काल उठ करके हृदय बिहारी का दर्शन कीजिए, मध्यान्ह में कीजिए, सायंकाल आरती कीजिए, मंदिर में हो तो ठीक नहीं हृदय में बैठे हृदय बिहारी की आरती कीजिए, और सोने से पहले अपने हृदय भवन में विराजमान उन्हीं श्याम सुंदर सीताराम राधा कृष्ण का दर्शन करते सो जाइए। ये भगवान चलती फिरती अयोध्या, चलते फिरते ब्रज वृंदावन, चलते फिरते नंद भवन है, इसमें जब आप भगवान का दर्शन सदा करना शुरू कर दोगे तो आपको बाहर जब आंखें खोलोगे तब ठाकुर जी का दर्शन होना शुरू हो जाए। हमारी सबसे बड़ी गंदी आदत क्या बन गई? मंदिर में जाके तो कहते हैं भगवान, बाहर निकलते सारी बुराइयां फिर इकट्ठी कर लेते हैं। मंदिर में भी भगवान को कम देखते हैं, अगर नहीं सुनी तो फिर बदल देते हैं मंदिर भी, ये मंदिर सुनता नहीं है, फलाना दरबार सुनता है, वहां चलेंगे। बड़े स्वार्थी लोग हैं हम लोग, ऐसा नहीं। ठाकुर जी से मंदिर में जाओ तो भी हृदय से प्रार्थना करो, उसे पाषाण विग्रह न समझिए, पत्थर की मूर्ति न समझिए, जिसमें विद्वानों ने वेदज्ञ ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार करके प्राण प्रतिष्ठा करके गोपाल जी को विराजमान किया है भगवान को। ऐसे उन भगवान को प्रत्यक्ष भगवान मानिए, और बाहर फिर सब जगह आपको ठाकुर जी दिखना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये जो ताप है ना, दैहिक दैविक भौतिक, ये सबके पीछे पड़े हैं, सब एक 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 ताप तो सबके पीछे। वैसे तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पीछे है? राम राज्य काहू नहीं व्यापा, जहाँ राम राज्य वहीं ये नहीं व्यापते, बाकी तो सबके पीछे लगे। यानी राम जी की भक्ति से हम एक क्षण के लिए भी दूर हुए, राम स्मरण से हम एक क्षण के लिए भी दूर हुए, कृष्ण के स्मरण से एक क्षण के लिए भी दूर हुए, बस ताप ने पकड़ लिया, पाप ने पकड़ लिया, बुरे कर्म ने पकड़ लिया। यहाँ साप बस आवत नाही, तदप सभीत रहो मन माही। जहाँ सत्कर्म होता है, जहाँ सत्संकल्प होता है, जहाँ सत्यनिष्ठ महात्मा रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, वहां तो पाप रूपी कर्म भी पीछा नहीं करते। देखो ना, सुग्रीव के पीछे बाली सब जगह गया, पर सुग्रीव निर्भय कहाँ रहा? ऋषिमुख पर्वत नियर आया। ऋषिमुख पर्वत पर जब आए सुग्रीव जी तो वहां बाली नहीं आता है। क्यों? यहाँ साप बस आवत नाही, तदप सभीत रहो मन माही। क्यों नहीं आता बाली? बोले उसे श्राप लगाए, वहां जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए कर्म रूपी बाली को श्राप है कि जहां जहां सत्संग होता है, सत्यनिष्ठ लोग रहते हैं, वहां कर्म कभी पीछा नहीं करता है। इसलिए सदा श्री कृष्ण का, श्री राम का स्मरण करते रहिए, ये तीनों ताप आपके पीछे कभी नहीं लगेंगे। सदा भगवान का स्मरण करते रहिए, माम अनुस्मर युद्ध च। गीता में ठाकुर जी तो कहते हैं, अरे अर्जुन, आसन पर बैठ के तो स्मरण करते ही हो, जब युद्ध करो तब भी मेरा स्मरण करना, बाण चलाओ, मंत्र बोलो, उस परिस्थिति में भी मेरा स्मरण करना, मुझे छोड़ना नहीं, मुझे भूलना नहीं, हर जगह मेरा स्मरण होना चाहिए। ऐसे भगवान तापत्रय विनष्ट करने वाले हैं।
श्री कृष्णाय वयम नमः। हमारे ठाकुर जी को इस पहले ही श्लोक में 9 बातें कही हैं बंधुओं। भगवान श्री कृष्ण जो है उनके लिए 9 बातें कही हैं। देखिए, पहला 3 स्वरूप ठाकुर जी के सत चित आनंद, दूसरे नंबर पर 3 ही भगवान के कार्य है, क्या? जगत को बनाना ब्रह्मा के रूप में, जगत को पालन करना विष्णु के रूप में, और जगत को लय कर देना शिव जी शंकर जी के रूप में। तो 3 बार कई 9 बातें हो गई ना। और गणित में देखा जाए, अंकों में देखा जाए, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है जी? 9 का अंक होता है। सबसे छोटा कौन सा अंक होता है जी? 1 का होता है। अब अंकों में छोटा अंक 1 का, बड़ा अंक 9 का। आप कहेंगे 10 बड़ा होता है 9 से, तो कोई कहेगा 9 से 10 बड़ा कैसे हुआ? अजी 10 तो बड़ा होता है। नहीं, 1 के अंक के आगे जब शून्य रखेंगे, 0 रखेंगे, तब 10 बनेगा, बाकी तो सबसे छोटा है। पर 9 के अंक को आप देखिए सबसे बड़ा, और विशेषता उसकी देखिए कि 9 के पहाड़े को आप जितनी बार बोलेंगे 9 ही 9 रहता है, वो कभी जो है कम ज्यादा नहीं होता। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 18 लिखेंगे 1 और 8, 1 और 8 9, 9 3 27, 2 और 7 9, 9 4 36, 3 और 6 9, 9 5 45, 4 और 5 9। फिर आप कर लीजिए, आपको आता होगा आगे पहाड़ा। 90 तक पूरा 9 ही 9 रहता है, जब भी संख्या को जोड़ेंगे। हमारे परमात्मा भी ऐसे ही है, अंकों में जैसे बड़ा अंक 9 का है, वैसे ही परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र जी हैं। और बंधु, इस पहले ही मंगलाचरण में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं जिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा हूँ, वह 9 के अंक की तरह, जैसे गणित में सबसे बड़ा अंक 9 है और लास्ट तक 9 ही 9 रहता है, उसे कोई नहीं काटता, वैसे ही हमारे श्री कृष्ण चंद्र हैं। वह भी उनकी ये 9 विशेषताएं हैं बंधुओं, 9 विशेषताओं से संपन्न होते हुए हमारे ठाकुर जी बड़े रसीले हैं, बड़े आनंदमय हैं, भक्तों के लिए बड़े ही जो है सुलभ हो जाते हैं। ऐसे गोविंद उनके लिए श्री सहिताय, श्री राधा जी के सहित हम सब मिलकर के नमस्कार करते हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ऐसे मंगलमय भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए आगे की कथा वर्णन कर रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि है बंधुओं, जिसमें सोनकादिक 88,000 महात्मा विराजमान हैं, और उन्हीं 88,000 महात्माओं के बीच में उच्च आसन पर सूत जी महाराज विराजमान हैं। ये नैमिषारण्य में सूत और सोनक संवाद बड़ा लंबा चलता है। सूत जी पुराणज्ञ हैं, पुराण वेत्ता हैं, पुराणों को जानने वाले हैं, और सोनक जी कथा को सुनने के बड़े रसिया हैं। 88,000 महात्मा हैं, उन सब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री सोनक जी महाराज। बड़े बड़े सुंदर प्रश्न कर रहे हैं महाराज। हम ये जानना चाहते हैं कि श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, पवित्र को भी पवित्र करने वाली, और भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत रूप से प्राप्ति कराने वाली कोई कथा सुनाइए आप हमको। सोनक जी कहते हैं, महाराज श्री कृष्ण हमें मिल जाएं, और एक बार मिल जाएं भगवान तो दोबारा हमारे हृदय से कभी चले न जाएं। ऐसी कथा सुनाइए, दोबारा चले न जाएं भगवान, एक बार मिल जाएं तो जाने नहीं चाहिए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, अधुना साधनम बद, ऐसा साधन बतलाइए अभी तो महाराज, जो कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। हे सूत जी, आपके पास तो गुरु कृपा का हुआ दिव्य ज्ञान प्राप्त है। संसार में चिंतामणि तो लौकिक सुख को देने वाले होते हैं, स्वर्ग का कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति को देने वाला हो सकता है, किंतु यह चिंतामणि और कल्प वृक्ष ये भगवान को नहीं दे सकते। यह तो केवल गुरु, गुरु ही गोविंद से मिला सकते हैं, गुरुदेव ही मिला सकते हैं। इसलिए हे सूत जी, आप हमारे गुरु रूप हैं, आप हमारे ऊपर वह दिव्य गुरु कृपा का प्रसाद बरसाइए, और हमें भी वह प्रसाद दीजिए, हम भी ठाकुर जी से मिलें, हम भी भगवान का दर्शन करें।
इसलिए वक्ता के प्रति गुरु भावना होनी चाहिए। मैं तो आपका बालक हूं, ऐसा न समझिए मैं गुरु के योग्य नहीं, पर हाँ कहीं भी आप भागवत सुनने जाएं, कोई भी महात्मा जी बैठे हैं, कोई भी संत कथा सुना रहे हैं, ब्राह्मण देव कथा सुना रहे हैं, चाहे आपके दीक्षा गुरु न हो, वह पंडित जी या महात्मा जी आपके दीक्षा गुरु न हो, पर भावना यही रखनी चाहिए कि गुरु के समान है। जब तक ऐसा दीनत्व का भाव नहीं आएगा, जब तक लघुत्व का भाव नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर ऐसा छोटापन नहीं आएगा, तब तक आप वक्ता की वाणी से निकले उस दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त करोगे। छोटी से छोटी उम्र का बालक भी यदि कथा कह रहा है, उसके प्रति भी ये सोचना चाहिए, ये गद्दी पर बैठे हुए ब्राह्मण हमारे गुरु रूप हैं। ऐसा बंधुओं सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। सोनक जी कहते हैं, महाराज प्रायः सभी लोग आसुरी वृत्ति के होते चले जा रहे हैं इस घोर कलकाल में। ज्ञान वैराग्य भक्ति को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? माया और मोह से कैसे पीछा छूटे? ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए। सूत जी कहने लगे, सोनकादिक ऋषियों तुम्हारी शास्त्र में बड़ी निष्ठा है, शास्त्र में बड़ी प्रीति है तुम्हारी। अब मैं तुम्हें वह दिव्य ज्ञान देने जा रहा हूं, लेकिन सावधान होकर के सुनना। यह वह दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं कि जो राजा परीक्षित को श्राप लगने पर भगवान श्री शुकाचार्य जी सुक्ताल में जब कथा सुनाने आए थे, तो देवलोक के देवताओं को मालूम चला कि सुखदेव जी कथा सुनाने आए हैं पृथ्वी पर, भूतल पर। सारे देवी देवता बंधु हो सबने सोचा हम भी चले। अब देवता लोग अपने 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 स्वर्ग में गए, और स्वर्ग में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है क्या? अमृत कलश। ध्यान से सुनिएगा आप लोग कथा, हमारी बहने माताएं बातें न करके कथा तक बिल्कुल आप शांति से सुने, उसके बाद तो खूब बोलना ही है आपको, हमको भी बोलना है, फिर तो व्यर्थ की चर्चा करते ही हैं। पर कथा कथा के समय बिल्कुल कानों को दोना बना लीजिए। दोना, दोना होता है ना, उसका नाम है दो ना, किसी को मत दीजिए दो ना। दोने में आ गई खीर रबड़ी या रायता पी जाते हैं ना, तो ये कान के द्वारा जाने वाला रस है, जैसे दोना से पीते हैं, ऐसे कर्ण रंध्र से ये जो ये भी तो गोल बनाया है ना भगवान ने। भाई दोना गोल होता है, फैल न जाए पीने वाली चीज, रायता या आम रस फैल न जाए। तो ये ऊपर वाला ये व्यर्थ का मटेरियल कोई काम तो नहीं आता है ना, सुनने वाला तो अंदर है, पर ये दोने के आकार का बनाया है। क्यों? क्योंकि रस कृष्ण रस फैल न जाए। बड़ी सावधानी से सुनिए, परीक्षित महाराज के लिए जब सुखदेव जी कथा सुनाने आए, स्वर्ग के देवी देवताओं को मालूम चला तो अमृत कलश को लेकर के आ गए, और सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले, सुखम नत्वा बदन सर्वे सुकायल कुशलासुराहा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों अपने काम को बनाने में देवता बड़े चतुर हैं, बड़े प्रवीण हैं, बड़े कुशल हैं। और वो सुखदेव जी को नमस्कार करके कहते हैं, महाराज ये जो कथा आप सुना रहे हो ना भागवत कथा परीक्षित जी को, ये कथा तो हमको सुना दीजिए, और इसके बदले में ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पान करा दीजिए। परीक्षित को 7 दिन में मरने का भय ही तो है, ये भय मुक्त हो जाएंगे परीक्षित जी, इसलिए स्वर्ग का अमृत इन्हें पिलाइए और भागवत कथा अमृत हमें पिलाइए। देवता कहते हैं, ये वो स्वर्ग का अमृत है जो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, 14 रत्न, और उन 14 रत्नों में अंतिम रत्न निकला था अमृत, भगवान श्री धन्वंतरी जी पैदा हुए थे उस अमृत कलश को लेकर के। जिस समुद्र मंथन में भगवान के कई अवतार हुए, धन्वंतरी अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, ऐसे ऐसे अवतार भगवान के हुए, और उस अमृत कलश को बंटवारे को लेकर के बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ, वह देवता लोग उस अमृत कलश को आज अपने आप ही लेकर के आ गए, और कह रहे सुखदेव जी से इस अमृत को आप पिला दीजिए। जरा ध्यान दीजिए कथा पर, आप और हम कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिले, भगवान क्या करोगे स्वर्ग में जाकर? अरे मृत्यु लोक ही इतना बढ़िया है,
यहाँ तो देवता उस अमृत कलश को लेकर के आते हैं और यहाँ बैठे हुए लोग जो भागवत सुनते हैं, देवता कहते हैं सुखदेव जी ये अमृत कलश इनको पिला दो पर इसके बदले भागवत दे दो। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये भागवत कथा ऊपर स्वर्ग में नहीं है ना, अभी तो वो लोग नीचे आए, कथा ऊपर के लोकों में नहीं है, ये बिल्कुल आज ही इस बात को सुन लीजिए पक्के से ध्यान से। आप लोग सोचे कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे खूब भागवत सुनेंगे, नहीं मिलेगी। आप लोग सोचे ब्रह्मा जी के लोग जाएंगे, नहीं मिलेगी। आप लोग सोचे कि शिव लोग जाएंगे वहां मिलेगी, शंकर जी का नहीं, विष्णु भगवान की अभी नहीं है। स्वर्ग सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसः, ये रस तो ऊपर है ही नहीं, इसलिए तो देवता भी नीचे आते हैं। स्वयं शंकर जी कथा सुनाते तो हैं पार्वती को, कैलाश घरे रम्मे नाना द्रमणता कुले नाना पक्ष समायुक्ते सिद्ध चारण सेवते, ओम क्लीम देव काम देवश्च काम बीज शिरोमणि, गोपाल सहस्रनाम राम सहस्रनाम। बोले बाबा सुना तो सकते हैं कैलाश पर जब सुनने का मन होता है तो एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, उन्हें भी जब सुनने का मन होता है तो पृथ्वी पर इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। बंधुओं इसलिए ये कथा ऊपर नहीं है। सुखदेव जी से स्वयं स्वर्ग के देवता कहते हैं, स्वर्ग के देवता ये अमृत ले लीजिए, राजा परीक्षित को पिला दीजिए, पर भगवान इसके बदले हमें भागवत कथा अमृत आप पिलाइए ना प्रभु। सुखदेव जी ने सोचा ये अगर श्रद्धा पूर्वक आकर के बैठते तो इनको कथा जरूर सुनाता, पर ये अदला बदली कर रहे हैं और अदला बदली भी उस चीज की जाती है जो बराबर की चीजें हों, कि हमारी आपकी चीज बराबर की कीमत की है, हमारी को आप ले लो आपकी को हम ले लें। पर कोई कांच का टुकड़ा देकर के मणि लूटना चाहे तो ये बात कोई अच्छी थोड़ी है। सुखदेव जी कहते हैं क्व कथा क्व सुधा लोके, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काच क्व मणिर महा ब्रह्म रातो विचारी एवं ब्रह्म रातो। सुखदेव श्री सुखदेव जी ने विचार किया, अरे देवताओं तुम कैसे ठगिया हो, श्रद्धा से कथा सुनने आते तो जरूर पिलाता, पर तुम तो मेरी मणि के समान, बहुमूल्य मणि के समान श्रीमद् भागवत कथा रस को एक कांच का टुकड़ा देकर के खरीदना चाहते हो। अरे ये रस तो सबको निशुल्क मिलता है, श्रद्धा भाव भक्ति से जो भी सुनना चाहे इस रस को पीना चाहे सबको मिलता है, पर तुमने कीमत लगा दी, वह भी कांच का टुकड़ा। क्व सुधा क्व कथा क्व काच क्व मणि, कहां कांच का टुकड़ा कहां मणि। इसलिए ब्रह्म रातो विचार एवं, पहले तो सुखदेव जी हंसने लगे, अरे देवताओं ऊंच निवास नीच कर तू थी, रहते ऊपर के लोकों में हो और विचार तुम्हारे छोटे हैं, ऐसी छोटी सोच लेकर के मेरे पास आयो। अवक्तास्तांश्च विज्ञाया न ददुष कथामृतम्। सूत जी कहते हैं हे स्वर्णकालिक ऋषियों, उन श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को, स्वर्ग के देवताओं को बंधुओं डांट करके फटकार करके भगा दिया, हाँ उनको कथामृत नहीं दिया, उन्हें भागवत का रस पान नहीं कराया। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाया, अभक्त जान करके, भक्त नहीं अभक्त, और बंधुओं भगा दिया, अमृत नहीं दिया। देवता लोग गए दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी से जाके शिकायत की, ब्रह्मा जी से कहने लगे महाराज हम ऊपर के लोक में रहते हैं पर हमको अमृत नहीं पिलाया सुखदेव जी ने। ब्रह्मा जी बोले अच्छा 7 दिन बाद देखते हैं इस परीक्षित का क्या होता है।
सात दिन जब कथा सुनी श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से परीक्षित जी महाराज ने, और सात दिन के बाद में जब वैकुंठ से गोलोक से साक्षात विमान आया और उसमें परीक्षित जी महाराज बैठ करके जब जाने लगे तो देवताओं की बात छोड़िए, ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए, धाता अपि विस्मितः। चार खोपड़े वाले ब्रह्मा जी भी सोचने लगे, सात दिन में कल्याण करने वाला ग्रंथ, सात दिन में मुक्ति देने वाला ग्रंथ, सात दिन में बहती नदी को सागर से मिला देने वाला ग्रंथ, सात दिन में जन्मों जन्मों से भटकी हुई उस आत्मा को परमात्मा से मिला देने वाला पुराण, ये भागवत है। मैं निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायक। ये पढ़ने से सुनने से शीघ्र ही सद्य, शीघ्र ही तो परमात्मा को मिला देने वाला है, वैकुंठ को देने वाला है। तराजू रखी ब्रह्मलोक में, तराजू में एक पल्ले पर सारे धर्म ग्रंथ रखे और एक पल्ले में श्रीमद् भागवत को रखा, बंधु तौलने लगे तो भागवत जिस पल्ले में रखा हुआ पल्ला भारी रहा, क्योंकि वजन इसमें महिमा का वजन ज्यादा है। अन्यानि लघु जातानि गौरवेण इदम महत्, या गौरवता के कारण महान हो गया, बड़ा इसमें वजन बढ़ गया, ऐसा दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। सूत जी कहते हैं यही श्रीमद् भागवत की कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। ये श्रीमद् भागवत की कथा कभी सनकादिक चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। देवर्षि नारद जी ने यह कथा सुनी और चार चार ऋषियों ने सुनाई थी। सौनक जी कहने लगे, महाराज ये संवाद कहाँ हुआ, ऐसे जरा जरूर सुनाइए, हम जानना चाहते हैं ये कहाँ हुआ कि नारद जी जो कि एक जगह रुकते ही नहीं है, हाँ? उन्होंने सात दिन बैठ करके कथा सुनी और सनकादि ऋषि ज्यादा कभी घूमते नहीं, तो ऐसे दोनों विरक्त परिवराज का आचार्य दोनों महापुरुषों का मिलन कहाँ हुआ। श्री सूत जी कहने लगे, ऋषियों सुनिए, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दत्रसोस्तत्र नारदम दत्रसोस्तत्र नारदम। एक बार की बात है, विशालापुरी में चारों ऋषि दर्शन करने घूम रहे थे, बद्रीनाथ धाम का दर्शन करते करते चारों बाबा घूम रहे थे। कौन कौन से बाबा? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारी, चार भाई हैं, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं सृष्टि के। सुन रही है ना बहने आप लोग, ये चार भाई ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान का प्रथम अवतार भी है 24 अवतारों में सनकादिक अवतार। तो ये चार भाई हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? बोले कोई अच्छी जगह मिले जहां बैठ करके हम सत्संग करें, सत्संगार्थम। नारद जी को सामने से आते दिखाई दिए, अब एक संत को दूसरे संत सामने से दिखाई देने लग जाए, नीले पीले कपड़े, लाल पीले कपड़े पहने हुए कोई संत भगवान हाथ में माला झोली, महाराज प्रभु का नाम जपते हुए रामा श्यामा आ रहे हो, सामने से कोई फिर लाल पीले वाले संत दिख जाए, मन प्रसन्न हो जाता है। चार मिले 64 मिले 20 रहे कर जो, हर जन सो हर जन मिले वैसे साथ करो, संत मिलन जग सुख, हाँ संत मिलन सम सुख जग नाही, संतों के दर्शन जैसा सुख। हमारे गुरुदेव के चरणों में लोग ऐसे बैठे रहते चकोर की भांति,
महाराज जी एक बार देख तो दे अपने नेत्र खोल के, ऐसा लगता था जीवन सफल हो गया। अब कृतकृत्य भयो मैं माता, ये वाली चौपाई महापुरुषों के चरणों में वास्तव में प्रतीत होने लगती है, दिखने लगने लगती है। संतों का दर्शन, गुरुजनों का दर्शन बड़ा आनंदकारी होता है। बंधुओं, सामने से सनकादिक ऋषि तो घूम ही रहे थे सत्संग के लिए, पर नारद जी को आते देखा बड़े प्रसन्न हुए। संत को संत मिल जाए बड़ी प्रसन्नता होती है, पर जैसे नारद जी पास में आए तो नारद जी का उदास चेहरा देखा। नारद जी का चेहरा उदास, संसार की समस्याओं का समाधान करने वाले नारद जी स्वयं उदास घूम रहे हैं, लटकाए घूम रहे हैं। जिनके दर्शन से चिंताओं का नाश हो जाए, वह चिंता मुक्त महापुरुष स्वयं देवर्षि नारद जी आज चिंता लिए घूम रहे हैं। पूछने लगे सत्संग का दिक्र से, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। चारों ऋषि पूछने लगे, हे नारद जी कुतः आगमनं तव, आपका आगमन, तुम्हारा आगमन कहां से हो रहा है, आपको कौन सी चिंता लगी है। अरे चिंताओं का समाधान करने के लिए संत घूमते हैं और आप चिंता लिए घूम। तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं बद कारणम्। हे नारद जी कारण बतलाइए, उचित नहीं है, क्या चिंता लेकर के घूम रहे हैं। नारद जी अब कहने लगे, महाराज संत यदि चिंता में भी है तो उसकी अपनी कोई चिंता नहीं है। संत किसी की चिंता को लेकर के घूमता है, जिसकी अपनी चिंता है समझ लीजिए वो संत नहीं है, उसके संतत्व में भी कमी है। संतों की तो कोई अपनी चिंता होती ही नहीं, उनकी तो एक ही चिंता होती है बस, सबरी निहाल रास्ता आएंगे राम जी, एक यही चिंतन, उसे चिंता कह लो चिंतन कह लो, चिंतन है सही शब्द तो, पर कभी कभी उदास होते हैं तो प्रभु आएंगे कब आएंगे, मिलेंगे कि नहीं, बस उसी चिंता और चिंतन में डूबे रहते हैं, वह चिंता भी उनकी चिंतन में बदल जाती है। ऐसे संत कभी संसार की किसी वस्तु की किसी व्यक्ति की चिंता नहीं करते। नारद जी कहने लगे, महाराज मेरी चिंता का कारण सुनिए, मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तमा जान करके सत्संग की खोज में इस पृथ्वी पर पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरे क्षेत्र कुरुक्षेत्र सभी जगह गया, एवं आदिसु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, मैं सारे तीर्थों में घूमा पर मुझे कहीं भी शांति का दर्शन नहीं हुआ। जो लोग ज्यादा तीर्थों की शरण में जाते हैं वो सुन लीजिए, नारद जी कह रहे हैं, एवं आदिसु तीर्थेषु भ्रममाण, मैं सारे तीर्थों में घूमा पर ना पश्यम कुत्र चिच्छर्मा मना संतोष कारक, तीर्थों में भी मुझे संतोष कारक कोई धर्म दिखाई नहीं दिया, संतोष मन को देने वाला हाँ कोई आनंद दिखाई नहीं दिया। इसलिए तीर्थ तो घर को ही बना लो, तीर्थी नाम संतों का है भक्तों का है, घर में भजन करो माला फेरो प्रभु के नाम की, आपका घर ही आपका तीर्थ बन जाएगा। ईंट भाटों से बहुत बड़ा आश्रम बनाने से कोई भगवान नहीं मिलते हैं, अरे झोपड़ी में रहकर के गरीबी में भी ठाकुर जी मिल जाते हैं। भक्तमाल पढ़िए, भक्तमाल जी श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज का अति पवित्र ग्रंथ है, जैसे पुराणों में भगवान के चरित्र भरे पड़े हैं, भक्तों के चरित्र हैं, वैसे ही भक्तमाल में अनेक संतों के चरित्र, अनेक ग्रस्त भक्तों के चरित्र हैं, और इसी कलयुग में हुए उन ग्रस्त भक्तों के चरित्र हैं। आप पढ़ के तो देखिए, श्याम सुंदर उनके साथ कैसे लीला करते थे, राम जी उनके साथ कैसे लीला करते हैं। इसलिए आपका घर ही बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, तीर्थ बन जाएगा। बंधुओं, तीर्थों में जाना मना नहीं है, अवश्य जाइए,
परंतु नारद जी तो यहाँ इस बात को कह रहे हैं, मैं जब सारे तीर्थों में घूमा तो मुझे सत्यम नास्ति तपा सोचम दया दानम न विद्यते, मुझे बिल्कुल भी सत्य दिखाई नहीं दिया, शौच पवित्रता आदि दया दान सब कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बस एक ही काम करते हैं लोग, क्या बोले उदरम भरणो जीवाहा। तीर्थों में रहने वाले लोग ऐसे ही तो करते हैं, सुबह जगती कहते हैं कभी यजमान जी आएंगे, पूजा कराए रुपया दे जाए, प्रेम से बोलो राधे राधे। आश्रम में बैठे बैठे बाबा एक कह रहे सुबह जगते जगते, हे भगवान कब कोई, अरे हमने कहा भाई ठाकुर जी का स्मरण करो। लोग कहते हैं यजमान जी ये अभी देखो एसी कमरे बनवाए हैं आप लोगों के लिए रहने के लिए, बन गए महात्मा जी दुकान है, एसी कमरा अटैच लेट बात है, आप कभी भी आइए हमारे धाम में, हमारे तीर्थ में आइए, हमारे आश्रम आइए, रुकिए। ये बताओ यजमान का भजन है कि राम जी का भजन, ये ऐसे यजमानों का भजन। अरे यजमान आए तो आए नहीं मता, हम तो जब अपना ही घर परिवार छोड़ करके बाबई बन गए तो भला किस यजमान के पीछे, कस्मात भजन कबया धन दुर्मदान धान। सुखदेव जी कहते हैं जिसने सब कुछ छोड़ दिया एक परमात्मा के भरोसे जीता है और फिर वो धनिक लोगों का यजमानों के आगे पीछे घूमता है, समझ लीजिए उसकी भक्ति में अभी खोट है। सही नहीं है, कस्मात भजन कबया, ऐसे जो भक्त होते हैं वो धनिक लोगों के पीछे नहीं घूमते, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, और दास मलू का यूं कहे सबके दाता राम है, दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया। जब ऐसा बिल्कुल निष्कपट हृदय से और सच्चे पवित्र भाव से राम जी के चरणों के पीछे दौड़ ही पड़े तो फिर संसार के धनिक लोगों की फिर आशा नहीं करनी चाहिए, सुबह उठते ही राम राम जपना चाहिए। ये नहीं कि कभी यजमान जी आएंगे हम पत्र खोले बैठे कब आएंगे यजमान जी कुछ रुपया दे के जाएंगे, नहीं, परमात्मा उन्हीं का भजन करना चाहिए। तो ऐसे जो है सत्यम नास्ति कभा सोचम दया दानम निविद्यते उदरम भरिणो जीवा बरा का फूट भाषण, ये स्थिति हो गई। नारद जी कह रहे हैं मैं ये सब देखता देखता बंधु हो ग्रस्तों के पास में पहुंचा, हाँ ये तीर्थों से मैं गया जंगल वाले लोगों के यहाँ, तीर्थ में भी मुझे शांति नहीं मिली तो जंगलों में गया, जंगलों में रहने वाले महात्माओं को देखा तो वहां भी पाखंड प्रवेश कर गया, वहां भी अंडारे भंडारे, आह फलाने का खालसा इतना बड़ा तो मेरा छोटा नहीं लगना चाहिए, फलाने का ये पदवी तो चाहे मुझे रुपया दे के खरीदनी चाहिए पर महामंडलेश्वर से कम नहीं, जगत गुरु से कम नहीं। अरे ये पदवियों से परमात्मा नहीं मिलेंगे, परमात्मा तो अति दीन को मिलते हैं, वो पदवी वालों के बंधु नहीं है, वो बड़े लोगों के बंधु नहीं है, वो दीनों के बंधु हैं। नाथ तू अनाथ हो, तू ठाकुर हो चेरो, चेरे बनने से मिलेंगे, छोटे बनने से मिलेंगे। हाँ अनेक श्रीयां लगा लगा करके अनेक पदवी, ये हम किसी उसके लिए नहीं कह रहे, ये तो एक भावना है, शास्त्र की बात है, केवल पैसे इकट्ठा करने से बड़ी बड़ी पदवियां लेने से, भागवत कहती है नारद जी की वाणी है पाखंड निरतासनता, जंगल में रहकर भी वहां देखो ऐसे ऐसे महाराज व्यवस्थाएं कर दी लोगों ने, ये धनिक लोग जहाँ पहुंच जाते हैं पैसा लाखों करोड़ों चढ़ाने वाले, बस समझ लो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ मामला। फिर बाबा जी का आश्रम, फिर आश्रम नहीं महल बनते, देर थोड़ी लगती है, प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा पाखंड प्रवेश कर गया, अथवा तो यूं कहो अच्छे भले संत भगवानों को ये पाखंडी लोग बदनाम कर रहे हैं, अच्छे संत तो आज भी अच्छे ही रहते हैं। ये सब देखते देखते मैं ग्रस्तों के यहाँ आ गया, और भी विडंबना नारद जी कहते हैं, तीर्थ में गया पृथ्वी पर, तीर्थ में गया तीर्थ से जंगल में गया, और जंगल से मैं गया कहाँ, बोले जहाँ ग्रस्त लोग रहते हैं, नगरों में बस्तियों में गया। नारद जी सोचने लगे ग्रस्त में बड़े अच्छे लोग होंगे, सुबह उठते ही माँ बाप के चरण छूते होंगे, बड़ा प्रणाम करते होंगे, बड़े बढ़िया लोग होंगे। बोले नहीं भैया, माँ बाप से तो बातें ही नहीं करते हैं, पत्नी का चलावा घर में चलता है, जब से आ गई मृग नैनी पिक वचनी
मीठे बोलने वाले मैया की रोटी खा खा के 30 वर्ष का हो गया, मूछे आ गई, दाढ़ी आ गई, दाढ़ी पक गई, धोरी है गई, मैया के हाथ की रोटी चटनी में बड़ो स्वाद आतो, और जब से छम छम करती आई सोई महाराज वाने कही मेरे हाथ की रोटी कैसी लग रही है, फूली फूली, अरे तेरे जैसा स्वाद तो मैया के हाथ में भी नहीं है। समझ गई वो, अब समझ गई कि मेरी रोटी ने जादू दिखा दिया, भाई एक एक फूली फूली रोटी खिलाती जाएगी और कहती जाएगी सुनो हमने तुम्हारे लिए हमारे माँ बाप को हमेशा के लिए छोड़ा है, हाँ हमने छोड़ा है, अब तुम भी हमेशा के लिए हमारे लिए तुम्हारे माँ बाप को छोड़ दो, प्रेम से बोलो राधे राधे, ऐसा गुरु मंत्र कान में देती है, मीठी मीठी वाणी को सुनकर श्रीमान जी बातों में आ जाते हैं। शास्त्र कहता है तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, श्याले मतलब साले साहब जी की चलती है, बहन को भैया चूल्हे पे, भैया को भैया घूरे पे, हमारे गांव में कोई बोलते हैं लोग कहते हैं सब बोलते हैं, यानी श्यालक साले जी आएंगे तो अरे किसी की हिम्मत थोड़ी रोक दे, क्यों पत्नी के भाई हैं, शेरनी है, कैसे उसके भाई को रोक लोगे आप, और तुम्हारे भाई आके तो देखे बिना पूछे उसके घर में, मैं नहीं कह रहा हूँ ये तो भागवत कह रही है, बुरा मत मानना कोई मेरे बात में, सीधे आएंगे। तो ये समय आ गया जी, क्या नारद जी कह रहे मैंने घर घर में जा जा करके देखा, तरुणी प्रभुता गे है, तरुणी माने उस जवान स्त्री की चलती है, पत्नी की चलती है, माँ बाप से पूछना, माँ बाप की सेवा, गुरुजनों की सेवा, जहाँ प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा, ऐसा धन्यो गृहस्थाश्रम, वो गृहस्थाश्रम धन्य है भैया जिसमें के सुबह उठते ही अपनी मम्मी के, अपने पापा के, माता पिता के पैर छुए जाते हैं, गुरु जी के पैर छुए जाते हैं। रघुनाथ जी को देखो, श्री राम जी उठते ही अपनी तीनों माताओं को, पिता दशरथ जी को प्रणाम, और गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरण वंदन करके तब उठ करके आगे का कार्य करते हैं, ऐसे रघुनाथ जी। ऐसा आश्रम हो जाए तो ग्रस्त आश्रम भी वैकुंठ से कम नहीं है, स्वर्ग से कम नहीं है, किंतु ये सब बातें बिल्कुल खत्म हो गई, और लोभ ऐसा बढ़ता गया कि कन्या विक्रयणो लोभाद, लोग अपनी कन्याओं को बेचने लग गए। ये कलयुग की स्थिति देखिए समय कितना बिगड़ गया, पुराने समय में मैं ही सुनता था, मैं तो भी ज्यादा बुढ़ा नहीं हूँ, हाँ आधा बुढ़ा तो हो गया हूँ पर ज्यादा नहीं हूँ, पर मैं भी सुनता था उस जमाने में, क्या बोले हम संबंध करने जा रहे हैं बेटी का, और शायद आप बड़े बूढ़े लोग से बैठे हैं, बहुत आप लोग तो बहुत कुछ देखे होंगे, जमाना जहाँ लोग प्रेम से रिश्ता करते थे, कुल खानदान की और बड़ी बातें सब होती थी, सम समधी हम देखी आजू मानस कहती है, नेत्र सफल हो गए कि आज दशरथ और जनक जैसे हमने समधी देखे। समधी हमारी संस्कृत भाषा का शब्द है, हमारी हिंदी भाषा का शब्द है समधी, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। आज हम रुपयों से रिश्ता करते हैं, आज हम पैसों से रिश्ता करते हैं, और तो और चोरों की बात छोड़े, हमारे ब्राह्मणों में हम तो खूब पैसा, सारा ब्राह्मण तो खत्म कर दिया, बराबर मानिएगा। लड़का क्या करता है, नौकर है, अरे नौकर को नौकरानी दोगे, अच्छा वाला पंडित है, नहीं छुटिया वाला ने एक सुना रहे थे, एक वक्ता जी बोले एक लड़का लड़के को मिलाया था और रिश्ते की कोई बात थी, अब वो जो बेचारा पंडित जी था तो पेंट शर्ट पहन करके ब्राह्मण का बेटा, अब वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की तो रिश्ते की बात करे, दोनों को बिठाया, अब बीच में उसे जाना था बाथरूम जाना था लघु संघ का, तो वो इशारा करके जाने लगा, और जैसे उसने जनेऊ निकाला तो वो लड़की कहती है क्या करते हो, बोले जनेऊ है कान पर चढ़ाने से, जनेऊ नष्ट नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है, हाँ विप्रस्य दक्षिणे करणे नित्यं तिष्ठन्ति देवता, ब्राह्मण के दाएं कान पर देवताओं का वास होता है इसलिए जनेऊ को यहाँ लगाते। वो लड़की बोली किस युग का पागल है, इससे शादी करूंगी, बताइए इस समय हमारे ब्राह्मणों में और की तो बात छोड़िए, जिस जनेऊ पे हम गर्व करते थे, हम परशुराम वाले हैं, हम जो है हम वामन भगवान के वंश में आए हैं, हम लोग वशिष्ठ ऋषि के संतान है, वो हमारे ब्राह्मण बालकों के जनेऊ कहाँ गए, कहाँ गए पंडित जी, हो जनेऊ
कहाँ गई चुटिया, केवल रह गया बाप बड़ो ना भैया, केवल बचो रुपया रुपया। तो वही बात को नारद जी कह रहे हैं, कन्या विक्रेणो लोभात, लोभ के कारण कन्या को आज संबंध नहीं कर रहे हैं। ये सबके लिए बात है, किसी पंडित पुजारी के लिए नहीं, किसी विशेष एक धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है, ये हर धर्म में होने लग गया कि हम हमारी बहनों का बेटियों का संबंध, अरे संबंध कितना अच्छा लगता है, अजनबी आदमी कोई मिल जाए, कोई पराये व्यक्ति, विदेश के व्यक्ति से यदि दोस्ती हो जाए तो भाई जैसा लगने लगता है, जिसको कोई एक रुपया भी नहीं दिया है, कहीं विदेश में मिल गया तो भाई जैसा लगता है, और हम जिसको सदा सदा के लिए अपना रहे हैं उसको रुपए से रिश्ता कर रहे हैं, तो वो बेटी के लिए घर नहीं है, वो तो नरक ही तो बसाने जा रहे हैं। पर समय की विडंबना देखिए, कन्या विक्रेणो लोभाद, दंपति नाम च कलकनम आ गई कई, बस चरण में कह दिए बात, हाँ संबंध नहीं सौदे हो रहे हैं, इसलिए आज पति और पत्नी में लड़ाइयां बहुत बढ़ती जा रही हैं। बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ रिश्ते होते हैं, शादी होती है, आए दिन तलाक हो जाते हैं, आए दिन लोग बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि पैसे से रिश्ता हुआ है, बुद्धि विवेक से रिश्ता होता, मन से मन मिलता, बुद्धि से बुद्धि मिलती, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि मिलती है, वैसे ही विचार, वैसे ही विवेक, तो उस ग्रस्त आश्रम में भी आनंद आता, पर वैसा नहीं है। अब कन्याओं का विक्रय होने लगता है, ऐसी जब स्थिति देखी, एवं पश्चन कलिर दोषान पर्यटन नवनीम हम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघुत। नारद जी कहते हैं, संसार के दोषों को देखते देखते मेरा मन बड़ा दुखी हुआ और मैं सीधा सिधाम वृंदावन यमुना के किनारे आया, वहां एक जवान स्त्री तरुणी को देखा जिसका नाम भक्ति है, उसके ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी को देखते ही वह पुकारने लगी, साधु कुछ देर के लिए रुकिए। नारद जी कहते हैं, मैंने जब उसका पता पूछा तो उसने सब कुछ बताया, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हो गई और कुछ कुछ महाराष्ट्र में रही, गुजरात में आकर के मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, लेकिन वृंदावन को जैसे ही मैंने प्राप्त किया तो मैं जवान हो गई, वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन स्वरूप। नारद जी कहते हैं, हे माता भक्ति, आप धन्य हैं कि वृंदावन को प्राप्त करते ही आप जवान हो गए, इसलिए तो श्रीराम वृंदावन में भक्ति नाचती है। ये साधारण तीर्थ नहीं है अयोध्या और श्रीराम वृंदावन, अयोध्या मेरे राम का हृदय है तो श्रीराम वृंदावन कृष्ण का हृदय है, अयोध्या साक्षात श्री सीताराम है, वृंदावन साक्षात श्री राधा कृष्ण है, अवध की सरयू साक्षात श्री सीताराम की कृपा बह रही है मानो, और वृंदावन की यमुना साक्षात युगलवर श्यामा श्याम की कृपा बह रही है, वहां जाकर के यमुना की सुंदर बालू में, सुंदर रज में, अथवा तो सीधे जाओ अयोध्या और वहां सरजू के किनारे बैठ करके आप उस रज को, उस जल को प्रेम से बातें कीजिए, आपको सीताराम की कृपा, आपको भगवान के रस जिसकी आवाज सुनाई देगी। बंधुओं, ये धाम दिव्य हैं, ये धाम अलौकिक हैं, लोग टिक्की बल्ला खाने जाते हैं बिहारी जी, हाँ दर्शन करने जाएंगे, कहेंगे बाहर बेटा बल्ला बल्ला निकलते ही खाएंगे टिक्की बल्ला, और बड़े बड़े होटलों में रुकेंगे और विचित्र का जीवन, तो ऐसी स्थिति में जाना ठीक है, अच्छी बात है, धाम में तो कैसे भी जाइए, धने धने चरण चलत तीरथ को, वो तो अच्छी बात है, परंतु आप जब भी अयोध्या जाएं, वृंदावन जाएं बंधुओं, वहां भगवान को पुकारिए, थोड़ा सा तड़पिए, यमुना किनारे सरजू किनारे बैठिए, आपको साक्षात परमात्मा वहां दर्शन देंगे, अनुभव होगा आपको, उस रज से जय श्री कृष्ण राधे राधे की ध्वनि सुनाई देगी। नारद जी स्वयं कह रहे हैं, स्वयं नारद जी कह रहे हैं, ये वृंदावन धन्य है, वृंदावनस् संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तर नृत्यति अत्र च। हे देवी, ये वृंदावन धन्य है जहां की आप नृत्य कर रही हैं, वृंदावन के वृक्ष को मरमून जाने को डाल डाल और पात पात पर
ऐसा दिव्य धाम है। एक संत भगवान अभी तो लीला लीन हो गए, लीला प्रवेश कर गए कई वर्ष पहले, हम देखते थे वृंदावन में, वो बाबा अपने रिक्शा में रंग रंग लाल पीला सफेद रखते थे और उन नाम की सेवा करते थे। नाम सेवा मतलब प्रभु के नाम की सेवा, उनके रिक्शे पे लिखा हुआ था नाम सेवा रथ, ऐसा कुछ लिखा था नाम सेवा रथ। और जगह जगह वृक्षों पे श्री राधे इतना सुंदर वो लिखते थे हाथ से, नाम सेवा रथ श्री राधा श्री राधे श्याम श्री राधा कृष्ण, प्रभु के नाम लिखते रहते वृंदावन में भगवान के नाम की सेवा। तो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, ऐसा वृंदावन है। धन धन वृंदावन रज धानी, जहां विराजे मोहन राजा श्री राधा से रानी। ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, श्री वटदेव जो कहते हैं मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहन नार सकल गोकुल की, बोलत मोहनी पानी। श्री भटके प्रभु मोहन नागर मोहनी राधा रानी, ब्रज भूमि मोहिनी में जान। ऐसा वृंदावन, वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे जमुना पटरान, जो जन नाय के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको रज धान। वेद पुराण बखान करे संत मुनि तिनके मन मानी, जमुना जम दूतन तारत है अवतारत है श्री राधिका रानी। धन धन वृंदावन रज धान, ब्रज चौरासी कोस में मुक्ति पड़ी बिलखाए, और मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता, पड़ी रहो या ब्रज रज में साधु संत चलिया, उड़े उड़े रज मस्तक पड़े तो मुक्ति हो मुक्त है जा। ऐसो वृंदावन, अभी हम पद गाने लगेंगे ना वृंदावन धाम के, अजी बड़े याद हैं हमको पद, बाम ने संत भगवानों से बड़े सुने हैं, तो पूरी कथा तो पद में हो जाएगी भजन में हो जाएगी। तो समय समय पर भागवत में वृंदावन की चर्चा अनेक जगह पर है, हम आपको सुनाएंगे। और अब घड़ी भाग रही है, भक्ति माता के पास नारद जी आ चुके हैं वृंदावन में, वृंदावन की अनंत महिमा गा रहे हैं। कल हम सुनेंगे नारद भक्ति का आगे का संवाद। और भागवत की कथा से धुंधकारी प्रेत था, प्रेत जिसने बंधुओं जीवन भर पाप किया, पाप करते करते मर गया, और मरने के बाद में प्रेत बन गया, क्या भूत, भूत बन गया प्रेत। और उस प्रेत आत्मा के लिए उसी के भाई ने गया में जाकर पिंड भी कर दिया, जिस गया में आप और हम जाते हैं, गया गंगा, फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ, ऐसा भयंकर प्रेत। उस प्रेत ने कहा मेरा उद्धार कोई और उपाय से कीजिए, उन्हीं के भाई गौ नंदन गौकर्ण जी ने भागवत कथा सुना के उद्धार किया। ये कथा भी हम आपको कल सुनाएंगे, नाम की महिमा भागवत कैसे सुननी चाहिए अभी कल सुनाएंगे। और कल ही भागवत के कुछ महाभारत के जो है प्रसंग आएंगे, तो आज तो बस एक चर्चा शुभारंभ होनी थी भागवत की कथा, पहला दिन है, लेट से शुरू हुई कथा, काफ़ी विलंब हुआ, और आप लोग बैठे रहे, सभी बड़े अच्छे भक्त हैं, हमारी माताएं बहनें भाई वृद्ध सभी बड़े सुंदर हैं, सभी अच्छे हैं, कथा में सबकी रति है प्रीति है। अब आप लोग सब एक छोटा सा भजन गाएंगे और उसके बाद में आरती और प्रसाद लेकर के ही अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। वृंदावन धाम
ऐसा मन से सोच लो कि हम सब भी वृंदावन जाएंगे। वैसे तो जाएंगे, 4-5 घंटा लगेगा आपको यहाँ से जाने में, रुपया पैसा भी खर्च होगा। नारद जी तो वृंदावन पहुंचेंगे भक्ति के पास, तो हम यहाँ बैठे बैठे पहुंच जाते हैं। कैसे यात्रा करें? बोले मन को रथ बना लो, 1 सेकंड में पहुंच जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलिए वृंदावन धाम की जय। सब मेरे साथ कहेंगे प्रेम से, उसके बाद आरती करेंगे। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गलिया भैया तो हुए मीठी मीठी तालियां, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। हमारी बहनें बैठी हैं, 7 दिन तो आपको नृत्य करना ही है, कोई भजन अच्छा आए, और अब भी मन हो तो खड़े होकर नृत्य कर लीजिए। और हमारी साईं जी भी तो नृत्य करते होंगे ना, खड़े होकर। जो भी माता बहने, संकोच न करना, परमात्मा के भजन में प्रेम से, और कोई भैया का भी मन करे तो भी खड़े होकर नाच सकते हैं, संकोच न करना। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है, और राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। हमारी बहनें खड़े होके नाच सकती है, तुम तो आरती होगी ही, खड़े होके सब लोग नृत्य कर लीजिए एक बार, क्योंकि आरती करेंगे फिर। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी, और उनसे अखियां। बाके बिहारी जी को देखा है ना, मोटे मोटे नैन हैं, इसलिए उनसे थोड़ा नेत्र मिलाने को, अब अखियां मिलाने को भी तो मन करता है। उनसे अखियां मिलाने को जी चाहता है, उनसे अखियां मिलाने को जी चाहता है, उनसे नैना लड़ाने को जी चाहता है, उनसे नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है, और राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को
जी चाहता। हरी हरी डुबकी जरूर लगाना बाजा को, हाँ नाक पकड़ के। एक डुबकी लगाने को जी चाहता, एक डुबकी लगाने को जी चाहता, एक डुबकी लगाने को जी चाहता, एक डुबकी लगाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और राधे राधे गाने को चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, आज राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन है धाम निराला, वृंदावन है धाम निराला, वृंदावन है धाम निराला, मिलेगा तुमको वहाँ नंद जी का लाला, मिलेगा तुमको वहाँ नंद जी का लाला, मिलेगा तुमको वहाँ यशोदा का लाला, मिलेगा तुमको वहाँ यशोदा का लाला। और परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और राधे राधे गाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी राधे गाने को, 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 राधे राधे गाने को जी बोलिए। श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, अपने अपने सदगुरु जी महाराज की जय, श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री काली मैया के जय, विराजित सर्व देवी देवताओं की जय, आज के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रेम से भगवान श्री भगवान जी की आरती करें, उसके बाद आरती और
प्रसाद लेके ही जाए। श्री राधे। परीक्षित महोदय मंच पर पधारने आरती करने के लिए। हरि ओम माय दगुं हवि प्रजननम मेस्तु सभी रघुं सर्वगण गुं सस्तये आत्मसने प्रजा सने पशु सने लोक सन्य वय सन्य नहीं प्रजा बहुलाम मे करो तुन्नम पयोरे तु स्मात सुदत्त तेरे नाम में आरती गाऊं।